मैं अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा। तू तो मोटी हो रही है क्या? भाई धूप कितनी तेज हो रही है, आंखें नहीं खोली जा रही है, एकदम इतना चौंधा पड़ रहा है आंखों पे। सारी लड़कियां गेट फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। और अभी जब स्कूल में चले जाएंगे ना सारी सारी लड़के, फिर कहेंगे सबसे तेज मैं चिल्ला रही थी सबसे कि पूरे रोड पे ना सिर्फ इनकी आवाजें गूंज रही है, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। चलो भाई हम तो थोड़ी बहुत गाड़ी साफ कर लेते हैं और फिर चलते हैं राइड पे, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ। और भाई अली परेड देख के ना यार मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। भाई जब हम परेड में जाया करते थे ना हम सारे सारे स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह, तो भाई साहब हम सारे एक दूसरे से तेज चिल्लाने की कोशिश करते थे, देख बेटा देख तुझसे तेज चिल्ला रहा हूँ मैं, देख मैं तुझसे तेज चिल्ला रहा हूँ। और जब स्कूल के अंदर आते थे थोड़ी देर आराम करते थे भाई साहब, बाद में जो गले में दर्द होता था। चलो वही गाड़ी तो हो गई साफ, अब चलते हैं राइड पे। पर यार उससे पहले गाड़ी के अंदर है ना ऑर्डर नहीं लगा लेते हैं, क्या मैं तो पहुँच गए नहीं। चलो भाई ऑटो मिल तो ले लिया, अब इसको गाड़ी के अंदर लगाते हैं और खुशबू खुशबू कर देते हैं गाड़ी में। और पता है गाइस मैं अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है, मैं यूं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा क्लीन हो चुका हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था इसलिए ना मैं अपनी शक्ल दिखाने में थोड़ा शर्मा रहा था, बाकी अब तो दिखा दिया कोई बात नहीं। वैसे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो चलो भाई ऑटो मिल को लगाते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं सीधा राइड पर, देखते हैं कि पहली राइड हमें कहाँ की मिलती कहाँ की नहीं। चलो तो भाई मैं तो है ना चेंज करवा के लिया हूँ, मैं लिया हूँ ग्रीन वाला, ठीक है ना, ये जैस्मिन मिस्ट है तो यार ले गया। भाई रोड देख रहे हो कितने ज्यादा क्लीन हो चुके हैं, मतलब दिल्ली के भाई सारे रोड है ना बहुत ज्यादा क्लीन हो चुके हैं भाई, प्लांट्स लगाए गए हैं जगह जगह पे, नए प्लांट्स लगे हैं, देख रहे हो ना कितना सही लग रहा है एकदम जगह जगह पे। भाई देखो सारे पत्थर वत्थर लगा दिए, मतलब एक तरीके से पूरा मेंटेन कर दिया भाई सब दिल्ली को, G20 की वजह से दिल्ली क्लीनेस्ट में नंबर वन पे पोजीशन पे रैंक कर रही है हमारी, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी भाई ऑर्डिनल अपना सही काम कर रहा, मतलब पूरी गाड़ी के अंदर है ना इसने जैस्मिन की खुशबू कर दी है, खुशबू खुशबू कर दी है, तो अब खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है गाड़ी के अंदर। अब कोई भी कस्टमर बैठेगा अच्छी खुशबू को महसूस करेगा। मैं खुशबू क्यों बोलता हूँ, मैं मेरे को सीधा नहीं बोलना, मेरे को उल्टा ही बोलना खुशबू। अपने ते रख विश्वास बनते होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बनते। चलो भाई हम तो आ चुके हैं राइड लेके गुरुग्राम, अब वेट करते हैं दिल्ली की राइड का, दिल्ली से दिल्ली की राइड मिल जाए हमें फिर दिल्ली चलते हैं यहाँ से। तो भाई गुरुग्राम में 2.5 से 3 घंटे वेट करने के बाद भाई वहाँ पे मेरे को एक भी राइड नहीं मिली और मेरा हो गया बहुत ज़्यादा दिमाग खराब वहाँ पे वेट करते करते। मैं तो भाई सीधा आ चुका हूँ टर्मिनल 2 पे एयरपोर्ट, अब भाई यहाँ से राइड लेके जाएंगे, देखो मिल जाए जल्दी से राइड तो भाई बढ़िया है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी वेट करते करते मेरे को 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। भाई कैंटीन के अंदर खाना खाने गया, भाई कैंटीन में खाना खत्म, गुरुग्राम में राइड नहीं, एयरपोर्ट पर राइड नहीं। आ ब्लॉग मत बनाने दो, नहीं मत बनाने दो, हम कुछ काम कर रहे थे वो करने ही मत दो, है ना, मैंने कोई कुछ करना चाहता तो वो करने मत दो। हद है यार, मतलब भाई आज तो यार हद ही हो गई भाई साहब, मतलब राइड आके ही नहीं दे रही हैं ये, देखो मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ भाई और फ्लाइट आ चुकी है, देखो सामने भीड़ भी कितनी सारी है, पर भाई साहब राइड ही नहीं आ रही है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। T2 पे राइड नहीं आ रही है, T3 पे राइड ना आए तो भाई मैं सोच सकता हूँ, पर भाई T2 पे राइड नहीं आ रही है, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, करे तो करे क्या यार, ज़िंदगी में इतने कष्ट है भाई, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ मैं पैदा ही क्यों हुआ, मम्मी ने मेरे को पैदा ही क्यों करा। एक तो भाई धूप इतनी हो रही है, ऊपर से भाई कैंटीन के अंदर खाना नहीं है, गर्मी लग रही है, राइड नहीं आ रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है, एक साथ इतनी सारी चीज़ें। देखो भाई कब तक राइड नहीं आती है, जब तक नहीं आएगी भाई तब तक वेट करता रहूँगा, पक्का वाला बेच रहा हूँ मैं, पर यहाँ से अच्छी राइड ही लेके जाऊँगा मैं। वैसे यार आप लोगों को मेरे ऊपर तरस नहीं आता, मतलब देखने आया मैं कितना मासूम सा हूँ, मतलब यार देखना धूप के अंदर गर्मी में भूखे पेट राइड का वेट कर रहा हूँ, राइड नहीं आ रही है, मतलब अच्छा लगता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसलिए भाई प्यार करो सपोर्ट करो ताकि हम एक ही चीज़ करें, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग ही ब्लॉग, और अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। भाई
लड़ाई हो गई दोनों लड़कियों की, आई टेन के अंदर भी लड़की है और कावासाकी में भी लड़की है। आई टेन ने कावासाकी ठोक दी पीछे से और ये भड़क गई। तो भाई देख रहे हो लड़की कावासाकी चला रही कितनी बड़ी बात है। तो टाइम हो चुका 7:17, अब तो चलते हैं घर और घजल के भाई खाना वगैरह खाते हैं। और भाई आते इतना दिमाग खराब हुआ ना। हाँ, बहुत सही। सर दर्द, आंखें दर्द कर रही है क्योंकि भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बस घर से 9 बजे ब्रेकफास्ट करके निकला था मैं और उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया। आज का भाई पूरा का पूरा दिन है ना भाई वेट करने में निकल गया। इतना वेट तो भाई मैंने किसी का नहीं करा जितना वेट मैंने राइड का करा। मैं घर आ गया। चलो भाई ग्रीन अमेरिकन लेस खाते, इतना खाना बन रहा है पेट में तो कुछ चले जाए ना। है फिर मांगना अगर गाँव बसा नहीं भिखारी पहला गया। क्या हुआ करिए गोबर से सगल की नजर लगेगी। अच्छे से क्या गए सर मैं कह रहा नीचे आ जा। तू तो खाइयो मत, तू तो मोटी हो रही है। क्या गुरु में ले 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 तू ले कीर्ति ले। भाई चैन से ना चिप्स और रैपी भी नहीं पीने खाने दे रहे हैं ये। मतलब देख लो कभी गद्दा कीर्ति इधर से उठा रही है कभी इधर से उठा रही है। गाइस अपनी बहन से चॉकलेट मांगने की है ना निंजा टेक्निक। कीर्ति मेरी एनर्जी लो हो रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरे को डेयरी में खिला दे। वाओ कीर्ति। चलो भाई कड़ी चावल तो रेडी हो चुके हैं, कड़ी चावल खाते हैं। आ जाओ गाइस आप भी खा लो।